जिला बिलासपुर के गुबावी क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। रामलाल ठाकुर का जहां पर गर्मजोशी से लोगों ने स्वागत किया, वहीं पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर खूब निशाना भी साधा। रामलाल ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि अनुराग ठाकुर के कार्य गिनवाने में वे विफल रहे हैं। जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। ठाकुर का यहां पहुंचने पर गर्मजोशी से लोगों ने स्वागत किया। वहीं पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि अनुराग ठाकुर के कार्य गिनवाने में विफल रह रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी नाम पर केंद्र सरकार की स्कीमों के ऊपर प्रेम कुमार धूमल अपने बेटे के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता सब जानती है कि किसने विकास किया है और किसने विकास नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से इस बार कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेगा और केंद्र में राहुल गांधी PM बनेंगे। और वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि भाई अनुराग ठाकुर को वोटें डालो, लेकिन अनुराग ठाकुर के काम के ऊपर वोटें नहीं मांग रहे हैं। आज जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें जो पूरे हिंदुस्तान में चली हैं उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये स्कीमें चलाई है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने एक काम भी अगर किया है तो उसको बताओ, उसका उत्तर नहीं दे पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेम कुमार धूमल भी असहाय हो गए हैं। अगर नलायक औलाद हो तो फिर बाप को ऐसा करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर धूमल चुनाव हारा है तो अपनी औलाद की वजह से हारा है। अब अगर औलाद ही नलायक हो तो बाप भी क्या करेगा, वो कितना का बाप खड़ा रखेगा उसको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि धूमल जो है वो वोट तो मांग रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनको भी मालूम है कि ये नैया पार लगने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, तो वो कहे अपनी बात कहे, लेकिन आज हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुराग अपने नाम पे वोट नहीं मांग रहा है। 3 बार मेंबर पार्लियामेंट बना, वोट नहीं मांग रहा है। कह रहा है कि मोदी मोदी मोदी, अब मोदी थोड़ी आएगा यहाँ पे, यहाँ तो रामलाल ठाकुर आएगा। अनुराग तो आएगा नहीं, अब रामलाल ठाकुर आएगा। इसलिए तो मैं लोगों के साथ नहीं होता, कल के बाद भी कई तरीके बाद भी उनके साथ ही रहूँगा। लेकिन ये कहना कि मोदी को वोट दे दो, जिस मोदी ने तबाही कर दी हिंदुस्तान की उसके नाम पे वोटें, और फिर मोदी अपने नाम पे भी वोट नहीं मांग रहा है। बाईपास निकाला फौजी उनके नाम से मांग रहा है, अनुराग जो है ना मोदी के नाम से वोट मांग रहा है। तो ये जहाज जो है डूबा हुआ है, ये सर्वाइवल नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।